बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द एटमॉस्फेयर। इसमें हमने अभी तक जो सीखा है वो ये कि एटमॉस्फेयर क्या है और इसमें डिफरेंट गैसेस की क्या परसेंटेज पाई जाती है। उसके बाद इसकी लेयर्स के बारे में हम सीख चुके हैं और पोल्यूटेंट्स के बारे में हमने सीखा है। आज हम सीखने जा रहे हैं जी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में, कि ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है और किस तरह ये ओवरऑल इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, ये आज हमने सीखना है। और कौन कौन सी गैसेस हैं जो इसके लिए जो है वो ज़िम्मेदार हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसकी कॉजेज देखेंगे और उसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे हम। देखिए, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है जी, आपने अक्सर आते जाते हुए ये देखा होगा कि नर्सरी वगैरह में क्या होता है कि पौधों के ऊपर कोई ग्रीन कलर का कपड़ा दिया होता है। तो उसकी वजह ये होती है कि जब सूरज की रोशनी सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर ऐसे किया जाता है कि सूरज की रोशनी जब उस ग्रीन कपड़े में से अंदर आएगी और वहाँ पर हीट पैदा करेगी और दोबारा से वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, तो ग्रीन कपड़ा लगा दिया जाता है जो रोशनी की शुआओं को बाहर नहीं जाने देता बल्कि वहीं पर ट्रैप कर लेता है और वो माहौल ज़्यादा गर्म रहता है जिससे पौधे की नशोनुमा अच्छी होती है सर्दियों के मौसम में। ठीक है, गर्मियों में तो वैसे ही काफ़ी गर्मी होती है, सर्दियों के मौसम में ऐसा किया जाता है। तो वो वाला जो कैबिन सा बनाया होता है उन्होंने, तो खेमा सा बनाया होता है जो कपड़ा लगा के ग्रीन कलर का, वो वाला हमारे पास होता है ग्रीन हाउस। तो ये वाला ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी उसी के नाम से इसे पुकारा जाता है कि ये भी उसी तरह का है। क्या होता है जी, इसमें जो ऑक्साइड है कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो है काफ़ी हद तक टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में जो है वो शामिल होता है। अब पहले तो हम देखते हैं उसके सोर्सेज के वो कहाँ से आता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो है, पहले नंबर पर उसने लिखा है कि वॉल्केनिक इरप्शन से आता है, वॉल्केनिक इरप्शन। ये क्या होता है कि जी, ये क्या होता है कि हमारे पास जो लावा वगैरह है वो जब ज़मीन फाड़ के निकलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या वेजिटेटिव जो है डिस्ट्रक्शन उससे भी ये निकल सकती है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पौधों के गलने सड़ने से या जानवरों के मुर्दा सांप से वहाँ से निकल सकती है। उसके बाद नंबर टू पे इसने जो सोर्स दिया है वो है कि हमारे पास पेट्रोलियम गैस ये या कोल कोयला, इनके जलने से भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। पेट्रोल जब जलता है गाड़ियों के अंदर, गैस जलती है घरों में, कोयला जलता है भट्टों में, तो इन सब से भी गैस पैदा होती है। कौन सी वाली है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है फायर, जो हमारे पास फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, जंगलों में आग लग जाती है अचानक से, ठीक है, या वुड जो है लकड़ी जो हम घरों में जलाते हैं, तो ये फॉरेस्ट फायर या वुड वगैरह, यहाँ से भी हमें सबसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से सबसे निकलती है। ठीक है जी। अब ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका नॉर्मल लेवल है 0.03%। अगर इतनी होगी हवा के अंदर तो ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर इसकी मिकदार 0.03% से इनक्रीज़ करना शुरू हो जाए तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो थोड़े डैमेजिंग हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं, जिससे ह्यूमन लाइफ या ये कह लें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी लाइफ जो है वो डैमेज हो सकती है। किस तरह ये काम होता है, क्या होता है कि हमारे पास जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर आती है, ठीक है जी, ये यहाँ पे मैं ज़मीन बना लेता हूँ, ये अर्थ है हमारी, ये सूरज है और ये वाली सेंटर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है जी। अब ये सूरज की रोशनी ज़मीन पर आएगी, इस तरह आएगी जी, इस तरह रेज़ की शक्ल में, और यहाँ पर आने से टकरा कर फिर से दोबारा माहौल में
रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ये नॉर्मल हुई, ठीक है, नॉर्मल हुई तो इसका काम क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि ये क्या करती है कि जो सूरज की रोशनी की शुआएं नीचे को आएंगी, टकराने के बाद ऊपर को जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ शुआओं को रोक लेगी ताकि माहौल क्या रहे, गर्म रहे, वार्म रहे, ठीक है। तो माहौल को गर्म रखने का काम कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। जब सूर्य की रोशनी नीचे आती है, ऊपर जाते हुए वो लाइट को ट्रैप करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट पैदा होती है। लेकिन अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है कि थोड़ी सी रोकती है जी, और बाकी फिर से वो बाहर ऊपर को चली जाती है रिफ्लेक्ट होकर सूरज की रोशनी की शुआएं जो हैं, लाइट रेस जो हैं। लेकिन अगर क्या हो, हमारे पास इस तरह का सीन हो कि वो जो शुआएं हैं सूरज की वो ऊपर ना जा पाए, ठीक है जी, सूरज की शुआएं ऊपर ना जा पाए, यहाँ से आ रही हैं जी सूरज की शुआएं, टकराने के बाद ऊपर को जा रही थी लेकिन नहीं जा पाई, फिर से वापस आ गई, ऐसा कब होगा, ठीक है जी। ये वाली कंडीशन देखे, यहाँ पर क्या हुआ ऐसा कि दोबारा सूर्य की रोशनी की शुआएं नीचे आ गई, लाइट रेस नीचे आ गई, और माहौल और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इससे जाहिर बात है। यहाँ पर तो ये कम शुआएं रोक रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड कम शुआएं रोकती थी, बाकी सारी ऊपर चली जाती थी, माहौल थोड़ा गर्म होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सूर्य की जो शुआएं नीचे आ रही हैं ऊपर जाते हुए, वो दोबारा वापस ऊपर को नहीं जा सकी, उनको रोक लिया गया, दोबारा माहौल में रोक लिया गया, एटमॉस्फेयर में रोक लिया गया, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर कम था, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये यहाँ तक रखती हैं तो इसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखती हैं, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन 0.04 से बढ़ जाए, ठीक है, 0.04 से बढ़ जाए, तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना होना शुरू हो जाएगा, 35, मिसाल के तौर पर ले रहा हूँ, 35-40 होना शुरू हो जाएगा, 45 होना शुरू हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, अगर मिकदार थी कार्बन डाइऑक्साइड की कम तो सूरज से आने वाली रोशनी जो थी उसकी रेज जो थी वो कम ट्रैप होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड उन कम शुआओं को रोकती थी, तो माहौल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन जब इसकी मिकदार होगी ज़्यादा तो इसने एक चादर की तरह हमारी ज़मीन को ढांप लिया, और ऊपर से जब शुआएं आएंगी ऊपर को जाते हुए वो माहौल में दोबारा वापस आ जाएंगी एटमॉस्फेयर में, इस लेयर से टकराने के बाद, क्योंकि ये एक चादर की तरह उसे ढांपे हुए है, ग्रीन हाउस की तरह उसे ढांपे हुए है, जो मैंने आपको कहा कि नर्सरी में ग्रीन हाउस होता है उसी तरह इसने काम करना शुरू कर दिया कि लाइट रेज अंदर तो आई लेकिन इससे बाहर नहीं जा पाई, तो लाइट रेज यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी, यहाँ पर माहौल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इनक्रीज हो जाएगा। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार होगी उतनी ही ज़्यादा लाइट रेज ट्रैप होंगी, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये वाला जो इफेक्ट है, ये वाला इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है जब नॉर्मल कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन जब कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल से बढ़ना शुरू हो जाएगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाएगा। अब ये वाला जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये पैदा होने से क्या होगा कि माहौल गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, माहौल यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस अमल को, जिसके ज़रिए माहौल गर्म हो जाए, ठीक है, इस अमल को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और माहौल का गर्म होना, ठीक है जी, टेम्परेचर में इंक्रीज आना, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर होना था मिसाल के तौर पर 25, यहाँ पर हो गया 35 या हो गया 40, किसकी वजह से हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार की वजह से वो इंक्रीज हुई है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, वो कम थी, टेम्परेचर कम था, वो आ कहाँ से रही है, गाड़ियों में पेट्रोल के जलने से, कोयले के जलने से, गैस के जलने से आ रही है, या फॉरेस्ट फायर्स जो हैं जंगलों में आग जो लगती है अचानक वहाँ से आ रही है, या किसी भी और मेथड से अगर वो माहौल में शामिल हो रही है
तो वो क्या कर रही है, माहौल के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, जिससे क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है सिचुएशन पैदा हो सकती है। इससे क्या होगा कि एक तो हमारे पास जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया वो पिघलेंगे, उससे क्या होगा, समंदर की सतह जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, समंदर की सतह बढ़ना शुरू होगी तो उससे क्या होगा, उससे ज़्यादातर तूफान आना शुरू हो जाएंगे, तूफान आना शुरू हुए तो उससे क्या होगा, उससे जो आबादी है साहिली आबादी उसको ख़तरा होगा, तूफान आने से उनके घर तबाह हो जाएंगे, जानों का नुकसान होगा, माल का नुकसान होगा। तो ये टेम्परेचर जो है इसके बढ़ने से जानदारों पर असरात होंगे, पौधों पे असरात होंगे, इससे पौधों की नशोनुमा मुतासिर हो जाएगी, इंसानों का रहना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। अब साइंटिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है एवरी 10 ईयर वो 0.5 डिग्री सेल्सियस हर 10 साल बाद वो बढ़ना शुरू हो गया है, ये गलत। अगर हम बात करें 10 साल बाद 0.5 बढ़ रहा है तो 100 साल बाद कितना बढ़ जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो 100 साल बाद अगर आज का हाईएस्ट टेम्परेचर वो 40 डिग्री सेल्सियस है तो 100 साल बाद वो 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इस रफ्तार से, और अगर आज का टेम्परेचर वो 45 है तो 100 साल बाद वो 50 हो जाएगा, अगर आज का टेम्परेचर 50 है तो वो 100 साल बाद 55 हो जाएगा। तो इंसानों जानवरों और पौधों का रहना मुहाल होता जाएगा, या ऐसे कह लें कि ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, समंदर की सतह ऊंचा होने शुरू हो जाएगी, और उससे क्या होगा, साहली इलाके जो हैं वो डैमेज होंगे, समंदरी तूफान आना शुरू हो जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल मिकदार तो बड़ी अच्छी है, हमारे माहौल को गर्म रखती है, लेकिन अगर वो इंक्रीज होगी जिसकी वजूहात ये हैं तो वो क्या करेगी, हमारे लिए डैमेजिंग हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और उसके असरात जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।